काफी सारे कपल्स मेरे पास में आते हैं, लड़के लोग आते हैं और बोलते हैं कि संभोग में कितना टाइम लगना चाहिए या कितने समय तक चलना चाहिए, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। शादी के बाद में लड़के लोगों में, पुरुष वर्ग में ये ऐसा है कि संभोग जो है एक्चुअली वो आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा चलना चाहिए। ये लोगों में गलतफहमियां काफी है। संभोग जो है वो लोग जब पॉर्न वीडियोस देखते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं और उसमें जब देखते हैं कि वो बहुत समय तक वो चल रहा है संभोग का, तो उन ज्यादातर लोगों में ये गलतफहमी है कि भाई आधा घंटा चलना चाहिए, एक घंटा चलना चाहिए और फिर उसके लिए मेरे पास में आते रहते हैं कि मेरा तो जल्दी हो जाता है। अब मैं जब पूछता हूँ कि भाई शीघ्र पतन होता है या जल्दी हो जाता है, तो शीघ्र पतन कितना, नहीं बोले काफी समय तक चलता है वैसा 10-15 मिनट, मगर बाद में फिर जल्दी हो जाता है। कितने समय में शीघ्र पतन होना चाहिए, पतन होना चाहिए कितने समय में, कितने समय तक संभोग चलना चाहिए, इसका कोई गणित नहीं, इसका कोई अंदाज ही नहीं। उसकी व्याख्या एक ही है, उसका डेफिनेशन एक ही है कि दोनों को, पति पत्नी को, लड़का लड़की को, दोनों को समाधान मिलने तक, समाधान मिलने समय तक यदि संभोग चलता है कि दोनों को शांति लगती है, दोनों को समाधान मिलना चाहिए और तब तक संभोग यदि चलता है तो उसको बोलते हैं कि वो सक्सेसफुल इंटरकोर्स हो गया। यदि सीमेन का इजैकुलेशन हो गया, इजैकुलेशन मतलब अर्ली इजैकुलेशन हो गया और पत्नी शांत नहीं हुई है, उसको लगता है कि नहीं अभी भी चालू रखना चाहिए, तो फिर वो शीघ्र पतन है, उसका इलाज करना जरूरी है। यदि वो बोलते कि नहीं मैं शांत नहीं हुई और करवा, चालू रखना जरूरी है, मेरा समाधान नहीं हुआ, इसका मतलब वो शीघ्र पतन है और उसका इलाज करना जरूरी है। अगर वो शांत है, समाधान उसको है, इसको भी मतलब पत्नी को भी और पति को दोनों को समाधान मिल रहा है, तो फिर कितना चलना चाहिए, कितने मिनट चलना चाहिए, उसका कोई भी नहीं, एक मिनट भी ठीक है, 10 मिनट भी ठीक है, समझे 10 मिनट तक भी समाधान होता नहीं है तो भी ठीक है। कोई भी संभोग में दो अलग अलग प्रक्रिया है, एक काम क्रीड़ा, प्रणय क्रीड़ा, वो ज्यादा से ज्यादा लोग करते रहते हैं, 5 मिनट मतलब 1 मिनट से लेके आधा घंटा तक लोग खेलते रहते हैं, प्रणय क्रीड़ा करेंगे। और दूसरा पार्ट है इंसर्शन, मतलब एक्चुअली इंटरकोर्स करना, लिंग का योनि में प्रवेश और वहां अंदर इजैकुलेशन, तो ये दोनों मिलकर संभोग पूरा होता है। अभी इसमें होता क्या है कि लेडी को, महिलाओं को सेक्स के ऊंचाई पे जाने के लिए टाइम लगता है, मतलब एक्साइटमेंट के लिए टाइम लगता है और वो एक्साइटमेंट में आती रहती है और वो पूरा आने के पहले ही पुरुष का, मेल का जल्दी पतन हो जाता है और उसको लगता है कि अभी तो अपना मजा आ रही है, अभी शुरू हो रहा है और उसके पहले उसने यदि इसका शीघ्र पतन हो गया तो वो अधूरी रहती है, उसको समाधान नहीं होता है। तो यह हमें भी देखना चाहिए कि स्त्री का एक्साइटमेंट का जो फेज है वो एकदम हाई लेवल पे आने के बाद में ही यदि इंसर्शन होके फिर आदमी यदि इजैकुलेशन करता है तो दोनों को समाधान हो जाएगा। स्त्री को यदि टाइम लगता है पूरा एक्साइटमेंट होने को और उसके पहले ही इंसर्शन कर दिया, उसके पहले संभोग की शुरुआत कर दी, उसके पहले ही इंटरकोर्स चालू कर दिया, तो आदमी का जल्दी गिर जाएगा और स्त्री को समाधान मिलेगा नहीं। तो ये हमको देखना बहुत जरूरी है कि स्त्री की एक्साइटमेंट होना, स्त्री को मजा आना उसमें, प्रणय क्रीड़ा अच्छी करना और प्रणय क्रीड़ा करने के बाद में काफी समय के बाद में फिर इंसर्शन करना जरूरी है, तो फिर दोनों का समाधान होगा, इसमें टाइम का कोई बंधन है नहीं। बाकी आप जो पोर्न वीडियो देखते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं, उसमें जो आधा आधा घंटा बताते कि चालू है, वो नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है, पता नहीं उनके पास में कुछ आर्टिफिशियल मतलब पेनिस है उसकी वजह से वो करते रहते हैं, पता नहीं कौन से ड्रग्स ले रहे, पता नहीं कोई ऐसे वीडियो तैयार करने की प्रक्रिया उनके पास में कि बताते रहते कि बार बार वही करके बता रहे कि भाई आधा आधा एक घंटा चल रहा है और उसकी जाहिरात वो करते रहते, उनके पास में तेल की जाहिरात करते, दवाई की जाहिरात करते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी दवाई नहीं है कि जो दवाई लंबे समय तक वो संभोग चलाएंगे, ऐसी कोई दवाई नहीं। हाँ दवाइयां है मगर ऐसा नहीं कि भाई घंटा दो घंटा चलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये वीडियो जरूर लोगों को शेयर करो ताकि गलतफहमी जो है और लोग अपने आप को लूट लेते हैं, लुटवा लेते हैं, तो ये रुक जाएगा। आखिर मुझे इतना ही बोलना है कि पति पत्नी को, दोनों को यदि वो संभोग में आनंद मिलता है तो दोनों को आनंद मिलने तक का संभोग चलना, मगर इसका मतलब वो नॉर्मल संभोग है, दोनों को यदि आनंद मिलता नहीं है तो वो नॉर्मल संभोग नहीं है, तब तक वो चलाना जरूरी है। आपको वीडियो अच्छा लगा
तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।